एमएस के पार्ट 10 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ को। और नेक्स्ट टू आइडेंटिटी जो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हैं फर्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और सेकेंड आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी जब टू टर्म्स ऐसी हों जो प्लस में हों और होल क्यूब के फॉर्म में हों तो वहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वाली, जो कि इक्वल होगी ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सभी टर्म पॉजिटिव है, बस ए बी के आगे यहाँ पर माइनस का साइन होगा। लेकिन टू टर्म्स अगर होल क्यूब में लिख सकते हो और उनके बीच में माइनस का साइन हो तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सेकेंड वाली, जो कि इक्वल होगी ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और इंटू में सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी के बीच में माइनस का साइन होगा, बाकी सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे। तो देखिए इन आइडेंटिटीज़ के बेस पर क्वेश्चन को किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें फैक्टराइज़ करना होगा 343 प्लस 125 बी क्यूब को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो दोनों टर्म यहाँ पे गिवन है इनको होल क्यूब में लिख सकते हैं। 343 को हम लिख सकते हैं 7 की होल क्यूब और 125 बी क्यूब को लिख सकते हैं 5 बी की होल क्यूब। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखा। अब क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में है तो हम यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जब भी आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ तो हम आइडेंटिटी में कैपिटल लेटर्स को यूज़ करता हूँ। वो इस वजह से कि कई बार ये होता है कि क्वेश्चन में स्मॉल ए बी ऑलरेडी गिवन होते हैं। अगर आप आइडेंटिटी को भी स्मॉल ए बी में लिखेंगे और क्वेश्चन में भी स्मॉल ए बी होते हैं तो उससे वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप यूज़ करें कभी भी आइडेंटिटी को ए और बी में तो वहाँ पर कैपिटल लेटर्स को यूज़ कीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में फॉर्मूले के अंदर और क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। ए और बी की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, ए के प्लेस पे 7 है, बी के प्लेस पे 5 भी है, वो पुट करेंगे हम दोनों ब्रैकेट्स में, सेकंड ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके आपका ये सॉल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। आई होप ये आप आसानी से हम कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 16 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 54x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, आप जैसे देख रहे होंगे कि इसको तो हम होल क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर ये फैक्टराइज कैसे होगा, क्योंकि 16 किसी का क्यूब नहीं और एक्स बाय 4 भी हम उसको होल क्यूब में नहीं लिख सकते हैं। तो आपको बता दें कभी भी आप फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी आइडेंटिटी के बेसिस पर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है अगर उसमें सभी टर्म में से कोई वैल्यू कॉमन ली जा सकती है तो पहले हमें उस वैल्यू को कॉमन लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 16x की पावर 4 माइनस 54x में से हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 16 और 54 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हमने 2 कॉमन लिया। और x की पावर 4 और x में से हम x कॉमन ले सकते हैं, डायरेक्ट हमने 2x को यहाँ पर कॉमन लिया। तो 2x कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 8x क्यूब माइनस 27, क्योंकि 16x की पावर 4 को अगर आप 2x से डिवाइड करते हैं तो 16 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8 और x की पावर 4 को x से डिवाइड किया तो x क्यूब। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 54x को 2x से डिवाइड करते हैं तो 27। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 27। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x की होल क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 की होल क्यूब। तो ब्रैकेट में बन जाएगा 2x की होल क्यूब माइनस 3 की क्यूब। इस अब क्योंकि ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन रही है तो यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होती है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ब्रैकेट के बाद 2x एज इट इज चलता रहेगा, ब्रैकेट में आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं तो a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे 3 को पुट कर देते हैं और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक और आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं, जो हमारी सेकंड लास्ट आइडेंटिटी है। जितनी आइडेंटिटीज हमने बताई थी उनमें ये सेकंड लास्ट है। ये आइडेंटिटी देखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये ऑलवेज इक्वल होगा पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब इसमें आपको बता दें इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसमें 3 टर्म्स ऐसी हों जिनको होल क्यूब की फॉर्म में हम लिख सकते हो और उसमें 4 टर्म्स प्रेजेंट हो तो वहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल देखिएगा
ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 8 सी क्यूब माइनस 18 ए बी सी, ये हमें एक क्वेश्चन मतलब पॉलीनोमियल गिवन है और हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे थ्री टर्म्स ऐसे हैं जिनको होल क्यूब की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ए क्यूब को लिख सकते हैं ए की होल क्यूब, 27 बी क्यूब को लिख सकते हैं 3 बी की होल क्यूब, और 8 सी क्यूब को लिख सकते हैं 2 सी की होल क्यूब। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, तो ए क्यूब को ए की होल क्यूब लिखा, 27 बी क्यूब को 3 बी की होल क्यूब लिखा, और 8 सी क्यूब को 2 सी की होल क्यूब लिखा, माइनस जो 3 ए बी सी वाली टर्म है वो आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। ए बी सी का मतलब यहाँ पर ए का मतलब फर्स्ट टर्म से है, बी का मतलब सेकेंड टर्म से है, और सी का मतलब थर्ड टर्म से है। तो ए के प्लेस पे ए आ जाएगा, बी के प्लेस पे 3 बी, और सी के प्लेस पे 3 सी। तो इसको लिखा जाएगा ए की होल क्यूब प्लस 3 बी की होल क्यूब प्लस 2 सी की होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू 3 बी इंटू 2 सी। ठीक है, इस फॉर्म में पहले आपको अपने पॉलीनोमियल को अरेंज करना है। तीनों टर्म को होल क्यूब में लिखने के बाद 3 ए बी सी की टर्म को लिखने के लिए 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म की फॉर्म में लिखेगा। अब जो आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, तो पहले उस आइडेंटिटी को लिखते हैं जो कि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ए के प्लेस पे स्मॉल ए, बी के प्लेस पे 3 बी, सी के प्लेस पे 2 सी कॉम्पुट कर देते हैं दोनों ब्रैकेट्स में। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करके हम इसको फाइनली जो है इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो आगे आप इसमें देख ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा हमने जो आपको तरीका बता रखा है सॉल्यूशन का कि पहले आपको वैल्यू को प्लेस करना है, सेकंड स्टेप में आपको उनकी जो पावर्स हैं उनको सॉल्व करना है, थर्ड स्टेप में उनको मल्टीप्लाई करना है अगर वहाँ पर एग्जिस्ट होती है नहीं, उसके बाद में अगर कहीं प्लस माइनस अगर हो सकता है तो उनको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन करना होता है। एक और एग्जांपल देखिएगा, हमें फैक्टराइज करना होगा 2√2a³ + 8bq − 27c³ + 18√2abc। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी थ्री टर्म्स ऐसे हैं जिनको होल क्यूब के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि 2√2a³ को हम लिख सकते हैं कितना, √2a³ क्योंकि √2 का क्यूब करते हैं तो 2√2 आएगा, डैट्स वाई हमने 2√2a³ को लिख सकते हैं √2a³। 8b³ को लिख सकते हैं 2b³। ठीक है, और −27 ये ध्यान रखिएगा जब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और 3abc की, तो वहाँ पर जो क्यूब टर्म्स हैं तीनों, उन तीनों के आगे पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो इसलिए जो माइनस का साइन है 27 के आगे, इस माइनस साइन को हमें पहले हटाना होगा, और इस माइनस साइन को हम उसी के टर्म के साथ में ही लेके चलेंगे। दैट मीन्स −27c³ को लिखेंगे कितना, इसको लिखेंगे −3c³। ठीक है, डैट मीन्स जो माइनस साइन है उसको हम थर्ड टर्म के साथ ही लेके चलेंगे और आगे इसके फिर प्लस का साइन ही यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा √2a³ प्लस 2b³ प्लस −3c³ माइनस फिर 3 × 1st टर्म × 2nd टर्म × 3rd टर्म के फॉर्म में आपको लिखना है, तो 3 √2a × 2b और इंटू में −3c। तो इस फॉर्म में हमने लिखा। इसके बाद आइडेंटिटी की फॉर्म में ही आ गए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में ही पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा पॉलीनोमियल है, तो उसको वो इस किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये फर्स्ट ब्रैकेट में और इंटू में सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ए बी सी के वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, ए के प्लेस पर √2a, बी के प्लेस पर 2b, सी के प्लेस पर −3c रख देते हैं दोनों ब्रैकेट्स में, सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करके इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप इनके बेसिस पर जो आगे के क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8 तक आपने कल कर लिए थे, तो 9, 10 और 11 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ करने के लिए आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इनको भी आप करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।